ईसाई धर्म जब ये सिर्फ जीसस के बारे में एक धर्म बन गया, तो कहीं ना कहीं उसने एक बहुत बड़ी बात खो दिया। ये धर्म जीसस के बारे में बनने की कोशिश में जीसस का धर्म बनने से चूक गया, और जीसस के बारे में बना धर्म जीसस का धर्म नहीं हो सकता। वास्तव में जीसस के बारे में बना धर्म जीसस के धर्म के विरुद्ध है, क्योंकि जब एक धर्म किसी व्यक्ति के बारे में बन जाता है तो तुम उसकी आंतरिक सच्चाई से संपर्क खो देते हो। तुम्हारी चिंता उसकी बाहरी अभिव्यक्ति पर हो जाती है। ईसाई धर्म ने जीसस का अनुसरण करने पर अत्यधिक ध्यान दिया, और जब तुम किसी व्यक्ति का अनुसरण करने की कोशिश करते हो तो तुम अनुकरणीय बन जाते हो, तुम नकली बन जाते हो, तुम्हारी असलियत खो जाती है, तुम्हारा खुद का अस्तित्व खो जाता है। इसलिए ईसाई धर्म ने धरती पर एक असंभव धर्म का निर्माण किया है। लोगों ने ऐसी बातें कही जो असंभव है, ऐसी मूर्खतापूर्ण पद्धति से लोगों में अपराध वो या कहीं गिल्ट पैदा होना तय है। लोग जीसस का अनुकरण करने की कोशिश करते हैं, परंतु वे जीसस की तरह नहीं बन पाते, इसलिए अपराध बोध उत्पन्न होता है, वे दोषी महसूस करते हैं। किसी भी अन्य धर्म ने धरती पर ईसाई धर्म जितना अपराध बोध नहीं पैदा किया है। ईसाई धर्म ने इसलिए सबसे बड़ी आपदा साबित हुई क्योंकि धर्म का उद्देश्य अपराध बोध पैदा करना नहीं है। यदि धर्म अपराध बोध पैदा करता है तो ये तुम्हें उदास करता है, तुम्हें स्वयं से निराश करता है, तुम्हें एक सूक्ष्म आत्महत्या की प्रवृत्ति उत्पन्न करता है। एक सच्चा धर्म तुम्हें उत्साहित करता है, तुम्हारे अस्तित्व को समृद्ध करता है, तुम्हारे जीवन को अधिक उत्सवपूर्ण बनाता है, तुम्हारे जीवन में उत्सव बनाने और खुशियां बनाने के अधिक अवसर पैदा करता है। और जीसस अपने शिष्यों से कहते रहे, रिजॉयस रिजॉयस, आनंदित हो आनंदित हो, मैं तुमसे कहता हूँ आनंदित हो। और ईसाई धर्म ने क्या किया, उसने ठीक इसके विपरीत किया। धर्म हमें अपने खुद के साथ साक्षात्कार करवाता है। धर्म का इशारा बाहर के कर्म कांडों के बजाय भीतर की तरफ इशारा होता है, कैसे हम अपने भीतर के आनंद को जी सकें और अपने जीवन को एक खिलावट दे सकें। इसलिए धर्म कोई भी हो, असली मापदंड है वो धर्म जो तुम्हें अपना स्वरूप जीने के लिए प्रेरित करे। प्रणाम।